रेंगलर भी इसके आगे ठीक ही लग रही है भैया। अब जस्टिस हुआ है गाड़ी के साथ। ओ भाई साहब क्या छोटा बना दिए। कह रहा हॉलीवुड की मूवीज ऐसी गाड़ी बनाई है। बिल्कुल हॉलीवुड, वो रोबोट और फिर गाड़ी कन्वर्ट हो जाती ना। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। भाई ये वीडियो है जिसके लिए टीम टकयार सबसे ज्यादा वेट करी थी। ये वीडियो है जिसके लिए सबसे ज्यादा कमेंट्स आते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे स्नैपचैट पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर, हर जगह कि भैया एंडेवर के रिम्स चेंज करो। वैसे तो सुना लगा अपने लास्ट वीडियो देखा होगा, उसी में चेंज कराए थे, बट मॉडिफिकेशन लाइन में ऐसे ही होता है। आपको लगता है आप अपनी गाड़ी कलेक्ट करने जा रहे हो, बट उसमें काम निकलते निकलते इतना निकल जाता है कि टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, एंड फिर आपके जो प्लान होते हैं उन पर पानी फिर जाता है। वही हमारे साथ लास्ट वीडियो में हुआ। अगर वो वीडियो मिस कर दिया तो जल्दी से देख लेना, फिर आप इस वीडियो का रिलेशन समझ पाओगे कि भाई हो क्या। एंड आज फाइनली हम अपनी गैंगस्टर एंडेवर को लेके जाएंगे और उसमें डलवाएंगे नए अलॉय व्हील्स। एंड ये व्हील्स इतने सुंदर हैं, मतलब आप लोगों को पता ही यार अपना टेस्ट, आर के व्हील्स आप लोगों को इतने ज्यादा पसंद है, ये वाले भी आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। एंड दीज व्हील्स आर वाइड गाइस, ट्रस्ट मी, मतलब क्रेजी है, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली। जो लुक अब निकल के आने वाली है एंडेवर की, सब एक ही शिकायत कर रहे थे कि भैया गैंगस्टर एंडेवर तो आपने बहुत सुंदर बना ली, सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है, बट व्हील्स थोड़े से चौड़े नहीं है, गाड़ी थोड़ी ज्यादा चौड़ी हो गई है। तो फाइनली हम लोगों ने अपनी टीम टकयार की सुनी एंड उस पर हमने काम भी किया। तो आज का वीडियो आप पूरा देखना एंड पूरा एंजॉय करना। और भाई एज यू ऑल नो कि बाहर इस वक्त इतनी गर्मी है ना, और इतनी कड़ी धूप में बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाना कंपलसरी है, बिकॉज गाइस जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है इससे स्किन बहुत ज्यादा डैमेज भी हो जाती है, उसके अलावा टैनिंग भी शुरू हो जाती है एंड प्री मेच्योर एजिंग भी शुरू हो जाती है। एंड गाइस टू टैकल दीज प्रॉब्लम्स आई पर्सनली रिकमेंड वाउ स्किन साइंस सनस्क्रीन स्प्रे। एंड गाइस इसकी बेस्ट बात पता क्या है, इसका फॉर्मूला बहुत ही लाइट वेटेड है एंड नॉन ग्रीसी, एंड ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, एंड ये वाटर रेजिस्टेंट भी है। एंड इस सनस्क्रीन में पैराबेन, सिलिकॉन्स, ऑक्साइड कलर्स, मिनरल ऑयल और बेंजोफिनोन्स जैसे हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते। गाइस इसमें raspberry extracts hai which helps to prevent photo damage of your skin, and it has strong antioxidants which moisturize the skin and reverses skin damage due to sun exposure, and isme avocado and vitamin e hai jo aapki skin ko nourish karte hain and skin tanning se bhi prevent karte hain। and guys ek common misconception hai ki agar hum ghar ke andar hai to hame sunscreen ki bilkul bhi zarurat nahi hai, but aisa kuch bhi nahi hai, ghar ke andar rehte rehte bhi hum sun ki harmful uv rays se exposed hote hain, to isi wajah se ghar ke andar bhi sunscreen laga ke rakhna must hai। aur guys apply karna bahut hi zyada easy hai, let me show you। first shake the bottle and spray it on your face and exposed areas, then gently tap and rub it over, that's it guys, it's done। and guys sunscreen को बाहर जाने से 10 से 15 मिनट पहले अप्लाई करना होता है। guys अगर आप भी अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना चाहते हो throughout the year, then you must buy this sunscreen। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, you can check it out from there। तो भाई अब हमारी स्किन प्रोटेक्टेड है, तो जल्दी से निकलते हैं अपनी गैंगस्टर एंडेवर को लेके चलते हैं फॉर न्यू रिम्स। A few moments later. तो भाई फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अपनी गैंगस्टर एंडेवर के नए अलॉयज डलवाने के लिए, और हम जा रहे हैं इन फोर ऑटोज अपने पुनीत भाई के पास, और साथ में रज्जो भी है हमारे साथ आज। Hello. भाई कैसी लगी गैंगस्टर एंडेवर? भाई रिएक्शन तूने देख ही लिया। आई विश भाई, सीरियसली बता रहा हूँ, काश उस टाइम मेरे पास कैमरा होता हाथ में। भाई भाई का रिएक्शन इतना अमेजिंग था, मतलब हैरान ही हो गया था, और सिर्फ भाई का ही नहीं, मतलब रोड पे भी ऐसे पब्लिक रिएक्शन मिल रहे हैं इस गाड़ी को, मतलब नेक्स्ट लेवल। कल हमारा अलॉयज का काम हो नहीं पाया था भाई, बट आज होएगा। पता है कैसे पता है मेरे को? आज डेफिनेटली होएगा, क्योंकि आज भाई हम मॉडिफिकेशन कराने निकले और बारिश होगी। आपको थोड़ी थोड़ी शीशों पे दिख रहा होगा या इधर दिख रहा होगा, बारिश के ट्रेसेस दिख रहे होंगे। तो बारिश हो गई है तो इसका मतलब भाई मॉडिफिकेशन होने वाली है। वैसे तो भाई अपना उत्सव कह रहा था कि यही अलॉयज बहुत बढ़िया लग रहे हैं, क्यों चेंज करा रहे हो, पर अपनी टीम टकयार की बहुत डिमांड आई थी भाई कि इसमें भी थार जैसे 12 जे रिम्स लगाओ, -44 ऑफसेट के व्हील्स लगाओ। तो भाई अपनी टीम टकयार की डिमांड पे हम अलॉयज इसके चेंज करने वाले हैं, एंड इतना सुंदर डिजाइन है ना, एंड थार वाले स्टाइल में ही है, 12 जे वाइड है, -44 का ऑफसेट है, और जो गाड़ी हमारी सामने से इतनी वाइड हो गई है उसके ऊपर बिल्कुल सूट करेंगे, बहुत बढ़िया लगने वाले इस गाड़ी के सबसे। तभी तो मैं कह रहा था मालिक इतना खर्चा हो गया था, एक चिप्स भी ले लेते। एक चीज से मैं सरप्राइज्ड हूं भाई, मतलब टचवुड वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, अभी पॉप ट्रबल हुई नहीं इस गाड़ी के साथ इतनी है, मैं बहुत हैरान हूँ। राइट ले ले, अभी जरा देखते हैं। वो यार नजर मत लगा, बढ़िया चल रही है जैसे चलने दे। A few moments later. चलो जी पहुंच चुके हैं हम इनफो जोटोस, इतना बढ़िया लग रहा है अब शोरूम देख। जब भाई हमने थार के लगाए थे तब शोरूम अंडर कंस्ट्रक्शन था, अब फुली फंक्शनल है, कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, सारा कंप्लीटेड है। ओए होए होए होए, रैंगलर भी आई हुई है, ये देखो ये रही रैंगलर, ये रही हमारी गैंगस्टर एंडेवर। अब इसका नाम मेरे ख्याल उत्सव चेंज करना पड़ेगा, ये मैड मैक्स की गाड़ी लग रही है भाई, ऐसा लग रहा है कि इट्स स्ट्रेट आउट ऑफ मैड मैक्स। मैड मैक्स किसी ने मूवी देखी होगी उसे समझ आ रहा होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अब इसका नामकरण दोबारा करने का टाइम आ गया मेरे ख्याल से, इसका नाम कर दो मैड मैक्स एंडेवर। सीरियसली बता रहा हूँ भाई, रैंगलर मेरे को इतनी पसंद है, और बहुत चौड़ी गाड़ी है रैंगलर भी, बट इसके आगे भाई अभी थोड़ी फीकी पड़ रही है।
बट वेरी नाइस कार भाई, फॉर ऑफ रोडिंग बहुत कैपेबिलिटी है इस गाड़ी में भी। फिन जो है प्रॉपर, वो इतना प्यारा लग रहा है ना, मैं वो देखते ऐसे स्माइल आई। एक चीज रहते ने बोली आते ही, जो मैं भी बहुत बार कैमरा पे बोल चुका हूँ कि कैमरा पे ये चीज जस्टिस नहीं कर रही, आपको रियल लाइफ में इसको देखना पड़ेगा। सच बता रहा हूँ भाई, जैसे ऑफ रोड ऑब्स्टिकल्स की तरह होता है, चीज छोटी लगती है बट रियल लाइफ में ये इतनी मैसिव है और इतनी खतरनाक लग रही है। मैं कह रहा हूँ जो इसके फ्रंट का गेट है ना, उसके गेट के जो साइड से ये जो चीज लग रही है इसकी, वो कुछ लुक ही उससे अलग आ रही है गाड़ी, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। मोटी सीट टाइप की जो होती है ना किसी गाड़ी में, कोई मोटी सीट डली होती है, उसे देख के इसकी लुक तो रेंगलर भी इसके आगे ठीक ही लग रही है भैया। ये सिर्फ लुक्स के लिए नहीं है, इसमें इतनी जान है कि अगर मैं स्पीड में आके ये पिलर भी पार करा दूंगा, या आपको पिलर भी लगेगी, पावरफुल लग भी रही है, बहुत जान है इसमें, पूरा सब स्ट्रेंथ है इसमें बहुत ज्यादा। ऑफ रोडिंग के हिसाब से ही बनाई है कि दीवार व्यवहार ट्रैक बनाना हो कुछ हो तो मट्टी मट्टी सब जो साथ की दीवार पूरी जगह बना लेती है, खतरनाक लग रही है। थैंक यू भाई, थैंक यू जी। फाइनली कितने दिन से आने की कोशिश कर रहा था भैया जी, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप एक चैंपियन हमारी मानत का है। अब पूरा सेटअप होने के बाद भैया कितना डिफरेंट लग रहा है, जब लास्ट टाइम आया था ना कार के टाइम कितना डिफरेंट था पहले से, यही कर ले गर्लफ्रेंड से बात यार। तो ये सारे डिजाइन है अपने पास ऑप्शन में भी फॉर द एंडेवर, सारे की 12J, ये वाले हैं ना जितने भी डीप ब्रश हैं, 12J, 12J, 12, 12, फोर ऑप्शन, एक दो ऑप्शन इतने दिनों में जा चुके। सच बताऊं जो मैंने पहले ही अपने लिए रुकवा रखा है कि ये मत देना किसी को, वो ये है, ये मुझे व्हील बहुत सुंदर लगा। उसके अलावा ये ऑप्शन भी थोड़ा ठीक लग रहा है, बट मेरे को ये वाला डिजाइन भी ज्यादा पसंद आ रहा है। मैट में अगर हम जाते तो मैट में ये दो ऑप्शन है, पर मैट भी है मेरे हिसाब से ना गाड़ी फिर डल होने लग जाएगी, क्योंकि आगे लाइनेक्स भी है। मैं भी रिकमेंड करूंगा ग्लॉसी, ग्लॉसी लगाएं, क्योंकि थोड़े टाइम बाद हम इसको ऑफ रोडिंग करके वैसे ही मैट कर देंगे, तो कोई इतना है। ये स्कॉर्पियन के लिए उससे भी डिजाइन दिखाया कितना बढ़िया लग रहा है, वही वी माइट गेट दिस फॉर द स्कॉर्पियन। पर भैया दिक्कत है, गाड़ी अभी पहले लॉट वाली है तो बार बार वारंटी क्लेम में वापस जा रही है, उस दिन वायरिंग हाथ में सड़ गई उसकी। अच्छा, और गाड़ी बिल्कुल लिमपोर्ट में चलेगी, तो 10 एरर आ गए, क्या क्या दिक्कतें होगी उसमें। और ये ऑफसेट कितना है? -18 हम मोर देन इनफ भाई, जाके जरा उत्सव भैया को और हमारी टीम टक्कर को पूरा शोरूम को दिखाई दे रहा हूँ, भैया से बात कर रहा हूँ। पहले तो अंडर कंस्ट्रक्शन था, अब तो ऑडियो वगैरह डिटेलिंग सब खुल गया। अब देख लो भाई, ये नीचे गाड़ी डिटेलिंग के लिए खड़ी है, वो कंप्लीट हो गया। अब जब सारा स्टॉक वगैरह डल गया है, कार के टाइम तो बिल्कुल ही अंडर कंस्ट्रक्शन था, जब सब डल गया कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल खाली था, प्लास्टिक की चेयर के ऊपर बैठे थे। याद है, अरे वो याद है, लाइट भी चली गई थी। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि थार के दोबारा चेंज करा ले देती, सारी दुनिया मांग रही है आप चेंज करा लो। भैया देखो, डीप डिश वाला ट्रेंड में ज्यादा बड़े बोल तो नहीं बोलना चाहूंगा, बट अपनी थार की बात थोड़ा सा हार्डकोर वाला, उन्होंने फोन रख रख के देखने शुरू कर दिए उसके अंदर, जो आता ना, जो आता ना फोन रख के देखता है कितना डीप है। नहीं, ट्रेंड शुरू करता फोन रख के एक बार देखना कि कितना लोग लो, ये कर मैंने फोटो कर रहे हैं। जब रिम आया था ना पहला, जब मैंने आपको फोटो भेजी थी, तब मैंने फोन रख के ही फोटो भेजी थी। पहले क्या हुआ, मेरे को चाहिए था डीप डिश रिम, मैं हर जगह जो मेरे और भी दोस्त से आते, मैं करोल बाग वगैरह साइड भी देखा, कहीं डीप डिश रिम नहीं मिल रहा था। ठीक है, फिर मैंने भैया को भेजी, मैं भैया ये रिम कहीं से भी मंगा के दो, भैया ने मंगा के दिया थार वाला, अपना ब्लू वाला बीस्ट वाला रिम। उसके बाद क्या हुआ, अब करोल बाग में मिली डीप डिश रिम हर जगह, मतलब डीप डिश इतना ट्रेंड शुरू हो गया सब जगह, वही मिल रहा है। फ्यूल का बहुत ट्रेंड था, फ्यूल फ्यूल खत्म ही हो गया, सब डीप डिश डाल रही है। सच्ची वो ट्रेंड आपकी में स्टार्ट ही आपके। ओ हाउ, कॉलर वाली नहीं पहन के आया, कॉलर खड़े करके घूमना था। इनफैक्ट एक यूएसए की कंपनी भी सेम व्हील बेच रही थी और उसकी एडवर्टाइजमेंट रन कर रहा था, हमने देखा था के बाद ही चालू हुई थी वो एडवर्टाइजमेंट। चलो जी, क्या हुआ, यूएस तक चर्चे पहुंच ही गए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ शोरूम। उस टाइम जब अश्विन भैया पहले आए थे तब तो पूरा शोरूम ही इनकम्प्लीट था। अब आप एक बार ही लुक देखो, अब हमने पूरा बना दिया है। तो रैंगलर खड़ी है, रैंगलर में अभी हमने पूरा काम करा है, अंदर XUV 400 है उसमें पूरा काम करा है, अश्विन भैया की गाड़ी में व्हील इंस्टॉल हो रहे हैं। आओ, तो मैं इस गाड़ी में काम दिखाता हूँ। एम्बिएंट लाइटनिंग का सेटअप डाला है गाड़ी के, K4 ऑडियो का काम हुआ है, इसके अंदर ऑडिसन के स्पीकर कंपोनेंट्स डाले हैं और सबवूफर डाला हुआ है और डिटेलिंग करी है। तो ये पूरा एरिया हमारा डिटेलिंग एरिया है, यहाँ पे इस गाड़ी पे सिरेमिक कोटिंग करी है। बाकी वो ऑफिस है और ऊपर आपको शोरूम में अभी दिखा देता हूँ। ये हमारा शोरूम है, ये सारा नॉइस का डिस्प्ले है, ये टायर्स का डिस्प्ले है, यहाँ पे ऑडियो
का डिस्प्ले लगा हुआ है, सबवूफर्स, सनडाउन के सबवूफर्स, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी, ऑडियो सिस्टम के कंपोनेंट्स सो क्लियर दैट मैं बोलूँगा आप जरूर ट्राई करके देखो, इतने साफ स्पीकर दाम, बेस्ट इन लाइन। ये कुछ एक्सक्लूसिव डिज़ाइन है रेंज रोवर का, जी वैगन के, थार में 22 इंच के लिए। यहाँ पे हमारे पास ये रूबीकॉन के अलॉयज है, ये क्रोम में आ गया, कितना सुंदर लग रहा है ये वाला डिजाइन फ्यूल का कॉपर में ऊपर। ऐसे होती है अनबॉक्सिंग, क्या बात है, टाइम टू गेट अ न्यू थंबनेल। भैया की गाड़ी में ये व्हील डाल रहे हैं, XF ऑफ रोड का व्हील है, 20x12J -44 ऑफसेट, बहुत ही वाइड है और जो गाड़ी बनाई हुई है भैया ने उसको ज़रूर कॉम्प्लीमेंट करेगा, बहुत अच्छा लॉय है। तो लगाते हैं और फिर देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। एक चीज बताओगे हमारी ऑडियंस को, ये ट्यूब क्यों डाल रहे हैं, ये ट्यूबलेस टायर तो सर, ये जो व्हील है ना, व्हील जो आपके में जो पहले पड़ा था वो 20-10 का था, जो एंटर गैप होता है वो था, अब जो डाला वो 20-12 का है, तो क्या हुआ जो 20-12 का है उसकी लेंथ कम से कम इतनी हो गई, अब टायर की इतनी हो गई, अब उसको टायर का स्पेस देने के लिए हमें ट्यूब डाल के टायर को खुलाना पड़ेगा, फिर उसके बाद टायर की प्रॉपर सेव बैठेगी, फिर उसके बाद हम ट्यूब को बाहर निकाल देंगे, इसलिए हमें ट्यूब डालने की पड़ रहा है इन टायरों में खासकर। अगर यही व्हील 10 का होता, 9 का होता तो कोई जरूरत नहीं हो, जितना व्हील चौड़ा होता जाएगा उतने हमें एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। भैया को इंट्रोड्यूस करो, भैया की रैंगलर है। भैया व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द एंडेवर, ही फर्स्ट ओल्डेस्ट एंडेवर एंड वॉटर रैंगलर, जबरदस्त बना रखी है भाई ने, और देख के ऐसे लग रहा है कि अब ये JCB की जरूरत नहीं है, यही चलेगी, जो रॉड्स इसमें निकली हुई है ना साइड में, आस पास से बंदा निकलेगा नहीं इसके। अब इससे ही बनाई इसलिए है कि ट्रैक बनाने, इससे ऑफ रोडिंग पे मतलब दूसरे लोगों के भी इस गाड़ी से ही ट्रैक बनाएंगे, बिल्कुल चीरती भी जाएगी, मार्शल 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 ही रहेगी पूरी लाइन एक्स पे। भैया अभी यहीं से ईंट उठाओ एक और इस पे ईंट मार लो, ईंट ऐसे उड़ के वापस कुछ भी नहीं होगा, ये बाउंस होके वापस आ जाएगी, इसको घिस लो आप लोहे से कड़े से किसी चीज से भी कुछ भी नहीं होगा, पूरी साइड भी सामने भी लाइन एक्स आर्मर्ड बना दिया जैसे हमने दुबई में, अच्छा वो ग्लैडिएटर जो कहते हैं एक वहां पे जीपर्स करके कम्युनिटी है, वो बड़ा जबरदस्त है क्लब का, मतलब हम टूर हम गए देखने के टाइम 70 रैंगलर्स फिट, डायरेक्ट फोन ही मार लेते मैं भी चलता, अरे मैं फोटो यार हमें चुल्ली यही है, वो आप घूमने का दोस्त के भाई कहां हो गया, मैंने कहा हम कहीं नहीं गए भाई, गाड़ियां देख रहे, गाड़ियों की दुनिया देखने गए थे वहीं से वापस आ गए। कोई नहीं भैया, आदमी पहली बार गाड़ियां देखने जाता है फिर दूसरी बार में सारी दुनिया देखते, तो चलाई कौन कौन सी है बताओ, तो यार कोई नहीं, बस ये देखती इनमें मॉडिफिकेशंस क्या है, मंगाना क्या क्या है ये देख के आ रहे हैं, वो देखते ना उनकी जो जीप्स तैयार करते हैं वो बिल्कुल मतलब, वही तो देख के आए यार, देखिए वो ऑफ रोड वाली गाड़ियां खड़ी हुई, हाँ हाँ एंटी लैक टर्बोस लगा के बिल्कुल हुड एक्सिट एग्जॉस्ट कर होते हैं, इतनी दो दो फुट आग छोड़ रही होती है, कंप्रेसर लगा होता है सीधा हर टायर के ऊपर, जब डिफ्लेट करना है इनफ्लेट करना है सीधा डायरेक्ट उसमें लगाया, और अरबी तो क्रेजी काम कर रही है, क्रेजी। चलो भाई नया व्हील देखे, बट उससे पहले पुराना हमारा व्हील देख लो भाई, ब्लैक राइनो ये पड़ा, अब ये पड़ा हुआ भी बड़ा सुंदर लग रहा है, तो यही इतना चौड़ा लग रहा है, नया वाला कितना लगेगा, ये रहा भाई ये देखो एसी पैकिंग में आता है, बहुत ही सुंदर लग रहा है भाई, वो चढ़ गया भाई पीछे, वो देखो कितना क्रेजी लग रहा है यार, क्या लुक निकल गया ये भैया इसकी, तो गजब कर दिया बिल्कुल। मैं वेट एक बार देखना चाहता हूँ, ये तो हल्के है ज्यादा भारी नहीं है, इसका वेट दिखाओ भाई, हाँ ये थोड़ा भारी है उससे, ये तो हल्का है, एक बार करियो उसको सीधा करियो, प्यार से करियो भाई, गाड़ी में लग रहा है प्यार से, यस आराम से भाई, ये देखो ये 9J ये 12J, दिस इज द डिफरेंस, ये इतना कम लग रहा है यार भैया, अब इसके आगे दो हाथ है, हाँ लिटरली ये देखो ये तो एक हाथ में आ रहा है मेरे, इसमें बहुत वाइड है ये, लगने के बाद और भी ज्यादा सुंदर लगेगा, लो भैया उठा लो इसको, ले जाओ ये वाला, सुपर एक्साइटेड, लेट्स सी। भाई ने भैया की रैंगलर में लगाया है, ऑडिशन का सेटअप, अच्छा वूफर सनडाउन के होंगे, आओ भाई रैंगलर का जरा ऑडियो सेटअप सुने, बड़ी तारीफ हुई है इसकी, यार वैसे गाना तो एक ही लगाना था भैया, सिद्धू मूसे वाले का, आ गया अलॉय आ गया, आओ
ये सेटअप डिजाइन क्लियरिटी के लिए 75% है। ऑडिशन के स्पीकर वो चेसी इसने लगाया था कि ये बहुत ही क्रेजी क्लियरिटी है। फ्रंट वाला तो लग ही गया भाई, आज टीम तक यार को लेके आया भाई, चलो साथ देखो एक बार। क्रेजी गाइस, मैं सच बता रहा हूँ, अब लोग आइए गैंगस्टर एंडेवर की निकल के, जितना ये सामने से वाइड होगी इतना गाड़ी, अब ये व्हील्स भी देखो उतने ही वाइड है, ये देखो अब जस्टिस हुआ है गाड़ी के साथ। और अभी गाड़ी जैक पे ऑब्वियसली जब नीचे आएगी अपना प्रॉपर स्टांस लेगी तब आप लोगों को समझ आएगा। एंड ट्रस्ट मी, इसको रियल लाइफ में ही देखना पड़ेगा आपको, कैमरा उतना जस्टिस नहीं करता जितना आपके करती है। इतनी सुंदर लग रही है ना इसको गाड़ी, बहुत प्यारे लग रहे हैं। एक मीटअप रखना पड़ेगा, बहुत जल्द रखूंगा भैया मीटअप, उसमें दिस विल बी द स्टार ऑफ द शो। भाई ये देखो एक चीज दिखाना चाहता हूँ, तो मेरा भी ये रिएक्शन था। ओ भाई ये जब सेम टायर 305 टायर है ये, 305/55 RBs, जब ये 9J रिम पे देखो ये इतना है, और जैसे ही ये 12J रिम पे जाता है वो देखो बिल्कुल ही जमीन आसमान का फर्क हो गया। सामने इसको देखो और उसको देखो, ऐसा लग रहा है कोई टैंक हो या कोई बड़ा, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स, इतना सुंदर लग रहा है ना इसको भी। अब इसकी प्रॉपर बीस्ट जो लुक आनी थी इन व्हील्स के बाद आएगी भाई, क्रेजी लग रहे हैं। वंस अगेन जब गाड़ी जैक से उतरेगी अपना स्टांस लेगी तब और बेटर समझ आएगा। अमेजिंग है जो इन्होंने लुक निकाल दिया, नेक्स्ट लेवल। नहीं लग रही हाँ। बिल्कुल भी स्ट्रेचिंग नहीं है। आई थिंक जो हमने थार में 33 डाला ना उससे भी बेटर फिटिंग आई है इसकी, ये 305 है ये, और बेटर फिटिंग आई है। 315 होता है वैसे लगभग उसका साइज, 315 के हाँ, बट इसकी ज्यादा बेटर फिटिंग आई है। मे बी हमें इस वक्त लग रहा होगा कि वाकई बेटर है, मैंने भी डाले थे ना वो, तो उसमें ये ज्यादा बेटर है, मैं भी अभी यही कह रहा था। अच्छा टायर्स गाइस हमने चेंज नहीं करे क्योंकि टायर्स हमारे ब्रांड न्यू थे, इन टायर्स पे गाड़ी 5000 किलोमीटर भी नहीं चलेगी पूरी, एंड यही फिट करने थे हमें, देयर वाज नो पॉइंट बाइंग न्यू टायर्स सिर्फ 5000 अगर चले हो तो। यहाँ से देख गाड़ी एक बार, ऐसे ही लग रहा है जैसे यूएसपी होती है ना ट्रक पिकअप, सही लग रही है भाई। जैसे ही घोड़ी से उतरेगी ना भी नीचे आएगी जमीन पे तो स्टांस लगी अपना प्रॉपर, बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा अब ना आगे से वाइड करी, पीछे से बॉडी अंदर लग रही थी, पर इन व्हील्स के बाद अब पीछे से बॉडी भी वाइड करने की जरूरत नहीं है, ये मैच कर ही गई भाई। लास्ट टाइम देख लो 9J व्हील्स की चौड़ाई, आई एम अमेज्ड, सेम टायर है और इस पर देखो उत्सव इधर आया, यहाँ से दिखा इतना चौड़ा उस पर प्रॉपर बैठा है यार। ये एक्चुअली में इतना चौड़ा टायर था कि ये बना ही इस व्हील के लिए था, अब ये पूरा स्ट्रेच होके इस पे फिट हुआ हुआ है लिप टू लिप बिल्कुल। अब इसमें देखो एक चीज में दिखाता हूँ, इस व्हील 9J है, यहाँ पर एक बल्ज है ठीक है, ये बल्ज किस चीज का है, टायर ज्यादा बड़ा था व्हील अंदर था तो बीटिंग बैठने के लिए टायर को थोड़ा सा अंदर आना पड़ा, उस चक्कर में बल्ज आ गया यहाँ पे। एंड अगर आप इस व्हील में देखो कोई बल्ज नहीं है, कोई इसमें यहाँ पर लंप नहीं है, सीधा स्ट्रेच होकर डायरेक्ट इस पे बैठा हुआ है क्योंकि ये 305 इतनी चौड़ाई है कि डायरेक्ट 12J पे बैठने के लिए ही ये टायर बना है। ओहो भाई साहब, वाओ क्या लग रही है यार गाड़ी, जिस स्टांस पे भी ये गाड़ी खड़ी है ना, मैं बता रहा हूँ यार कैमरा वो जस्टिस कर ही नहीं रहा, जो आंखें देख रही है ना, मैं इस वक्त कैमरा की स्क्रीन पर देख रहा हूँ वो चीज नहीं आ रही जो आंखें देख रही है भाई। सबको हाइट कैफे का एड्रेस दे देता हूँ, हाइट कैफे आ जाओ, वहाँ डेली आ रही है गाड़ी, कैमरा जस्टिस कर ही नहीं रहा था जो ये रियल लाइफ में लग रही है ना। ऐसी होती है जो अश्विन भैया ही सिर्फ ट्रेंड में ला सकते हैं बस। तो वन मोर हियर इट कम्स, ऐसा लग रहा है स्ट्रेट आउट ऑफ द मैड मैक्स मूवी, बहुत प्यारी है भाई, क्या छोटा बना दिए, बहुत क्या फील है यार, नहीं हमें नहीं कराना, यहाँ से देखो गाइस बॉडी के बाहर देखो कितना रिवील, अब लगानी पड़ेगी क्लैडिंग इसमें यहाँ पे, क्या ओ माय गॉड लगा लगा भाई, क्या बात है, अब आ गया ना इसमें टेस्ट, बहुत बढ़िया भाई ढंग से दबा दे यार, ये तो मैं कुछ चाहिए होंगे यार थोड़े अपने चैनल नेम के लिए भी, एंड आई विल हिट यू अप फॉर दिस, हाइप के लिए भी चाहिए होंगे हमें, ये भी अपने भाई का ही लगा हुआ है यहाँ पर भी, तुषार का, तुषार मेरा भी भाई है माइंड ऑटोमोट्स, एक और भी लगा होगा भाई, ये रहा एक और अपने और भाइयों का भी लगा यहाँ, अब शिफ्ट का थोड़ा बड़ा ज्यादा था नहीं तो वो भी यही लगाते, बड़ा बनाना अगली बार, अब रैप चेंज होने वाला है गाइस, सच बता रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बता दो किस कलर की करें, खाकी करें, डेजर्ट स्टॉर्म या फिर मिलिट्री ग्रीन, क्या करें, जगह जगह से भैया ऑफ रोडिंग कर करके साइड इफेक्ट तो होंगे, जगह जगह से कहीं कहीं से जहाँ चोट लगती है वहां से नीचे ओरिजिनल कलर बाहर आया था, इसे इधर आया हुआ है, रैप इधर से फट चुका थोड़ा, तो ये बहुत जल्दी चेंज होने वाला है, खाकी 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 खाकी
चलो भैया का वोट खाकी पे, आप लोग बताओ भाई इसको सैटिन ब्लैक ही रखें, मैट ब्लैक कर दें, खाकी कर दें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ वही कलर करेंगे जो भाई टीम का क्यार बोलेंगे। आप लोग देख रहे हो यार ब्यूटीफुल है, वाइड, नाउ दिस इज व्हाट यू कॉल वाइड। अभी अंदर से गाड़ी हमारी थोड़ी गंदी है क्योंकि 2-3 महीने से खड़ी थी जब इस पे काम हो रहा था। भाई हॉलीवुड आ गया यार, भाई क्या अलॉय लगाए, थैंक यू सो मच यार। हॉलीवुड की मूवी है, मुझे वही पसंद है, वही गाड़ी लगाई। भाई कह रहा हॉलीवुड की मूवी जैसी गाड़ी बनाई है, बिल्कुल हॉलीवुड जैसे, वो ट्रांसफार्मर 4-6 ऐसे कह रहा हूं, वो रोबोट और फिर गाड़ी कन्वर्ट हो जाती ना, सेम टू यू, सही बहुत मस्त लग रही है, बहुत मस्त। थैंक यू भाई, ये देख लो भाई स्टॉक एंडेवर हमारे पूरी की ऐसी लगती है स्टॉक एंडेवर, और ऐसी लगती है फुल्ली कस्टमाइज्ड। चेक करना चाह रहा था कि कहीं बॉडी वगैरह में ना लगे, आर्टिकुलेशन कितना आ रहा है, सब कुछ परफेक्ट है, कहीं टचिंग का, कहीं रबिंग का, कहीं कुछ नहीं भाई। दिस इज इन फोर डॉटर्स फॉर यू, परफेक्ट फिटमेंट इन वन टाइम, वेरी हैप्पी यार। ऐसे चिल भी कर सकते, ऑफ रोडिंग में आर्टिकुलेशन पे लगाओ आराम से, कुर्सी है साथ में, बैठ जाओ। Later that night. Ha bhai. Chirezon. Hi guys, how are you? Kaisi lag rahi hai? Sahi kaam pe bheja, sahi kar ke aaye ho. Badhiya lag rahi hai bhai. Pehle se better lag rahi hai kaafi. Bahut zyada bhai, bahut zyada. Aur bahar aaye hain? Ha. Zyada aa gaye. Bahut zyada.